quarts of pure alcohol are added, 40% solution of alcohol in water. If new concentration is 60%, how many quarts of alcohol or original solution are there? बेसिकली इसको समझना, कॉन्सेप्ट समझना कि टाइप कौन सी है, ये एक बात है. दिस इज द टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन जिसमें फार्मूला होता है एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन. फोर कॉर्ड्स जो दे रहे हैं हमारे पास एन वन वैल्यू होती है. और प्योर अल्कोहल का मतलब क्या है, 100% प्योर, ये हमारा एक्स आर एडिड टू 40% सोल्यूशन, ये हमारा एक्स. और जो न्यू कंसंट्रेशन आ रही है, यानी रिजल्ट आ रहा है 60, ये हमारा आंसर. तो आपसे अगर निकालना क्या है, निकालना मुझे यहाँ पर एन. अब मेरे भाई इस फार्मूले के तक अगर देखें तो 60 हमारे पास आ गया. एन वन फोर है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस एन टू एक्स टू हमारे पास दिया हुआ है मेरे भाई 40. यहाँ पर देख लें एन वन प्लस एन टू यानी 4 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. नीचे वाले सॉल में कह रहे हैं फर्टिलाइजर कंटेन 32% नाइट्रेट एंड 10% ऑफ द नाइट्रेट इज प्योर नाइट्रोजन. यानी जो 32% फर्टिलाइजर के अंदर 32% नाइट्रेट है और उस नाइट्रेट में 10% नाइट्रेट ऐसा है जो कि प्योर नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में प्योर नाइट्रोजन कितना होता है? फर्टिलाइजर है 32% परसेंट का मतलब होता है 100 यानी 100 से डिवाइड. उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्योर है वो कितना है? 10 यानी 10 से डिवाइड. एक जीरो ने जीरो को मार डाला हमारे पास. अब 32 को हमें डिवाइड करना है एक नहीं दो नहीं तीन जीरो से. अगर दो जीरो से डिवाइड होता तो डेसिमल के बाद दो नंबर आते. तीन जीरो है तो डेसिमल के बाद टोटल तीन नंबर आने चाहिए डेसिमल के बाद इंक्लूडिंग 3 और 2. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.03. ठीक है ना?